हाथरस हत्याकांड में पीड़ित परिवार प्रशासन के समझाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए रेडी हुआ। कल हाथरस में एक किसान की खेत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिवार का आरोप है कि बेटी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों ने किसान की हत्या कर दी। परिवार ने पहले सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन प्रशासन के आश्वासन पर अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में गाँव के लोग भी पहुंचे और बेटी ने भी अपने पिता को कंधा दिया। दरअसल कल यूपी के हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराने पर एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार के मुताबिक जिस समय 52 साल के किसान को गोली मारी गई, उस समय वो अपने खेत में काम कर रहा था और बेटी के साथ पत्नी भी मौजूद थी। परिवार का दावा है कि जुलाई 2018 में 52 साल के किसान ने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया था और 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसके बाद मुख्य आरोपी गौरव 15 दिन जेल भी रहा। इसी के बाद दोनों के बीच रंजिश चल रही थी। परिवार का आरोप है कि जिस समय किसान खेत में आलू की खुदाई कर रहे थे, उसी समय गौरव अपने साथियों के साथ आया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। किसान की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया और पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर ही एक आरोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार किया गया और उस पर NSA के तहत भी कार्रवाई की गई। परिवार का आरोप है कि आरोपी ने पहले ही फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। गांव के लोग थे, पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और आप जाते थे, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चीड़ के मेरे पापा को गोली मारी। हम इस वक्त हाथरस के नोजरपुर गांव में हैं और हम इस वक्त उसी खेत पर हैं जिस खेत में एक दिन पहले यानी सोमवार की दोपहर को मृतक अमरीश पर गौरव नाम के आरोपी ने अपने साथियों के साथ गोलियां बरसाई थी। जो मृतक यहां पर अपने खेत में आलू की बोरियां यहां पर भरवा रहे थे, उसी दौरान ये बताया गया कि जो मृतक की बेटी है वो यहां पर पहुंची थी खाना देने के लिए अपने पिता को, और उसी दौरान आरोपी गौरव यहां पर आया, उसके साथ कुछ साथी भी उसके साथ थे जो 5 से 6 की संख्या में थे, और ये सभी इसी जगह पर आकर वो सामने आपको ट्यूबवेल दिखाई दे रहा है वहाँ पर खड़े हुए और यहाँ पर बातचीत का दौर चला, क्योंकि जो आरोपी है गौरव उसके खिलाफ 2018 में भी छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया था और मृतक की बेटी ने उसके खिलाफ आरोप लगाए थे, जिसके बाद उसे जेल भी जाना पड़ा था और इसी वजह से उसी केस के सिलसिले में समझौता बनाने का दबाव यहां पर वो चाहता था कि एक बनाया जाए और मृतक के ऊपर लगातार वो यहां पर बहस कर रहा था। जब मृतक अमरीश शर्मा इस पूरे मामले में उसे बेकसूर ही बताने लगे तो उसके बाद वो इतना जोर से चिल्लाया, गुस्सा हुआ और उसके बाद उसने अपने पास निकालकर हथियार जो निकाला उसके बाद उसने ताबड़तोड़ फायर अमरीश शर्मा के ऊपर कर दिया और इसी जगह पर अमरीश शर्मा के ऊपर फायर करने के बाद उसने यहाँ से वो तुरंत अपने साथियों के साथ मौके से भाग गया, जिसके बाद अमरीश शर्मा को अस्पताल ले आया गया लेकिन उनकी मौत हो गई क्योंकि उन्हें कई गोलियां मारी गई थी। मृतक की यहां पर कई लोग जानकार थे जो चश्मदीद थे और मृतक की बेटी ने जो पुलिस को आरोपियों के नाम भी बताए हैं, जिसमें एक गौरव जो काफ़ी यहां पर दबंगई यहां पर दिखाता है ये कहा गया है, साथ ही उसके साथ कई ऐसे लड़के थे जो उसका साथ देने यहां पर आए थे, सभी की यहां पर तलाश की जा रही है, जिसमें से एक जो मुख्य आरोपी गौरव है अभी भी नहीं पकड़ा गया, साथ ही उसके साथ ही यहाँ पर पकड़े जाने हैं। वहीं एक शख्स की यहाँ पर गिरफ्तारी पुलिस ने दावा किया है कि उसकी की गई है। बहरहाल इस पूरे मामले में क्या तफ्तीश है, इस पूरे केस की जो कड़ियाँ हैं उनको जोड़ने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है और लगातार दबिशें रात भर चल रही हैं। इनके कई करीबी हमारी हिरासत में पूछताछ हो रही है और कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का इनको संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। लगातार हम प्रयासरत हैं और हम बिल्कुल आश्वस्त कर रहे हैं आपको, जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी और इनके ऊपर की कानूनी कार्रवाई एक नजीर बनेगी। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे सहयोगी हाथरस से जुड़ चुके हैं और दीपक, किस तरीके से टीमें गठित की गई हैं वहां पर, किस तरीके से गौरव नाम के शख्स को पकड़ने की कोशिश हो रही है, जरा बताइए।
देखिए अभी तक जो टीमें हैं उन्हें लगाया गया है, कई टीमें बनाई गई हैं, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा टीमों को लगाया गया है ताकि जो आरोपी हैं जो अभी तक फरार हैं, क्योंकि मुख्य आरोपी जिसने फायरिंग करी थी गौरव वो अभी फरार है, साथ ही उसके जो साथी आए थे वो भी फरार हैं। सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी करने का दावा पुलिस के द्वारा किया गया है जिससे पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा कई ऐसे लड़कों को हिरासत में लिया गया है जो जानकार कहे जाते थे, लेकिन हालांकि पुलिस अभी अपना जो दायरा है वो पूछताछ और तफ्तीश पर ही रखकर यहाँ पर आगे की जाँच बढ़ा रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक सीक्वेंस मैं बता दूं यहाँ पर अभी कि इसी जो मंदिर है इसी जगह पर से एक दिन पहले सोमवार की दोपहर को लगभग 12 बजे के आसपास झगड़ा शुरू हुआ था जिसमें गौरव जो आरोपी है उसकी पत्नी और उसकी मौसी यहां पर पहुंची थी और उसी दौरान मृतक की पत्नी और उनकी बच्चियां भी यहां पर पहुंची थी और उसी दौरान दोनों परिवारों की महिलाओं में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जो आरोपी है उसकी पत्नी ने चिल्लाकर अपने पति गौरव को फ़ोन किया था और उसके बाद गौरव जो आरोपी है अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर इसी जगह पर पहुँचा था। ये वही खेत है क्योंकि काफ़ी दूरी पर नहीं है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर उसके बाद गौरव आया और उसने ताबड़तोड़ फायरिंग जो है इस परिवार के मुखिया पर की थी और उसके बाद मृतक जो थे वहीं पर गिर पड़े थे, कई वहाँ पर चश्मदीद थे। उनके मुताबिक ये जो विवाद शुरू हुआ क्योंकि देखिए पहले ही छेड़छाड़ का आरोप लगता रहा, उसके बाद 15 दिन के लिए गौरव जो है वो जेल में भी गया, क्या केस वापस लेने को लेकर ये बहस दोनों के बीच चल रही थी या ये जो मंदिर आप दिखा रहे हैं वहां पर किसी बात को लेकर लड़ाई हुई और उसके बाद गौरव बंदूक लेकर पहुंचा? देखिए आरोपी जो गौरव है वो पहले से ही लगातार परिवार पर दबाव बना रहा था कि उसके खिलाफ जो केस 2018 में फाइल किया गया था जिसमें वो 15 दिन जेल के अंदर भी था उस केस को वापस ले लिया जाए, और इसी बात को लेकर कल जब दोनों परिवारों की महिलाएं यहां पर मिली तो उनके बीच में इसी बात को लेकर गहमागहमी हुई और जो आरोपी गौरव है उसकी पत्नी ने काफ़ी अपशब्द कहे पीड़ित परिवार को लेकर, और उसके बाद मामला जब ज़्यादा गर्मा गया तो उसने अपने पति को बुलाया और पति ने धमकी दी थी उसी दौरान मृतक को फ़ोन के जरिए, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। थोड़ी देर बाद गौरव आया और लगभग 3-3.30 बजे के आसपास यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर जब आलू के खेत में वो मृतक बोरियाँ भर रहे थे उसी दौरान उन पर फायरिंग की गई थी और उसके बाद उनकी हत्या करके सभी आरोपी फरार हो गए थे। चारों आरोपी लगभग 4 से 5 आरोपी हैं, सभी के हाथ में जो हथियार थे और ये बताया जा रहा है कि उन सभी ने फायरिंग की थी। हालांकि पुलिस के दावे के मुताबिक अभी तक जो फायरिंग है उसके बारे में पूरा क्लैरिफिकेशन चाहिए और पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर। ठीक है, आप रही जरा साथ। देखिए किसान की बेटी का आरोप है कि हत्याकांड वाले दिन सुबह भी आरोपी गौरव के साथ विवाद हुआ था और आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश करते हुए पुराना केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया था। हम अपने ट्यूबवेल पे आ गए थे खेतों पे, वही पापा आलू गुदवा रहे थे खेतों पे, उसके बाद इसने फिर से कमेंटबाजी शुरू की, तब मैंने वहाँ पे इसे जवाब दिया, उसके बाद फिर इसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसकी मौसी ने, उसकी बीवी ने, फिर उसके बाद पापा आ गए वहाँ पे, पापा ने भी इनको वहाँ से लताड़ के भगा दिया, तब ये लोग वहाँ से चले गए धमकी देती हुई इसकी मौसी की, शाम तक तेरा ये करवा दूंगी वो करवा दूंगी, ये सब धमकी दी, इसकी बीवी ने भी धमकी दी मुझे। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 2-3 घंटे बाद 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है वहाँ से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। वो बोल रहा था कि केस वापस ले लो वरना मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी देता था पहले। ये जो प्रोफाइल पे फेसबुक पे लगा हुआ है यही है, ये गौरव शर्मा है सर, ये आतंकवादी, एक नंबर का आतंकवादी है ये। कि किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा। और दीपक देखिए अब तो संबंध जो आरोपी बता रही है कि सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से रहा है इस शख्स का जिसका नाम गौरव बताया जा रहा है। अगर ये धमकी देता था तो क्या परिवार वालों ने इसकी शिकायत पुलिस से करवाई थी? देखिए बिल्कुल जिस तरह से लगातार गौरव जो है एक दबाव बनाना चाह रहा था अर्पिता, क्योंकि साल 2018 में उसने घर के अंदर घुसकर एक पीड़िता को पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की थी जिसके एवज में उसे 15 दिन वो जेल में भी रहा था और उसके बाद से ही लगातार जमानत पर छूटकर वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि जो पीड़ित परिवार है वो इस मामले को ले ले, वापस ले ले ताकि वो छूट जाए, लेकिन पीड़ित परिवार उसकी इस पूरे जो कारनामे थे उससे पीछे नहीं हटना चाहता था और वो चाहते थे कि इसे पूरी तरह से जेल हो और इसको लेकर गौरव लगातार अपने
अपने परिवार के साथ, चाहे वो यहाँ पर अपने एक रिश्तेदार के घर पर यहाँ पर हमेशा आता था, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर उसका गांव है, यहाँ पर अपने रिश्तेदार के घर आता था और यहाँ से कोशिश करता था कि इस परिवार पर दबाव बनाया जाए। और यही चीज़ें उसकी पत्नी ने भी एक दिन पहले यहाँ पर की थी, लगभग 12 बजे के आसपास इसी जगह पर जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, यहीं पर से वो लगातार कोशिश कर रहा था। और यही वजह थी कि पीड़िता के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश थी, और साथ ही ये जताया जा रहा था कि वो इस पूरे केस को वापस ले ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ एक गाड़ी में आया और इसी जगह पर मृतक पर उसने कई राउंड फायर किए। और जब मृतक यहाँ पर अपने साथ में दूसरे मजदूरों के साथ था, तो आरोपी सबसे पहले जब पहुँचे थे उन्होंने ताबड़तोड़ हवाई फायर किए थे ताकि सारे मजदूर भाग जाएँ, कोई चश्मदीद ऐसा ना रहे जो उसे पहचान सके या आरोपियों की पहचान हो सके। और इसको लेकर उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ पर फायरिंग की थी। अब पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन अभी कई आरोपी इसमें फरार हैं जिनकी दबिश के लिए टीमें बनाकर लगातार जांच की जा रही है। ठीक है, आप रहिए साथ। देखिए, हाथरस हत्याकांड के चश्मदीद के मुताबिक हत्या से पहले कई राउंड हवाई फायरिंग की गई ताकि दूसरे खेतों में काम कर रहे लोग भाग जाएं। इसी चश्मदीद ने हत्याकांड के बाद एम्बुलेंस को भी फोन किया था। चश्मदीद का यह दावा है कि आरोपियों ने उसके ऊपर भी फायरिंग की थी। हाथरस के नौजरपुर गांव का एक पथवारी मंदिर है, पथवारी माता का मंदिर कहा जाता है। और इस मंदिर में जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, इस मंदिर के आसपास कई सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, क्योंकि आलू की खेती यहाँ पर इस वक्त तैयार है और आलू को बोरियों में भरने का काम होता है। और जिस वक्त ये पूरा वाकया हुआ, इस पूरे घटनाक्रम के एक चश्मदीद गवाह यहाँ पर हमारे साथ हैं और न्यूज़ 8 इंडिया में हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम योगराज है। योगराज जी, क्या हुआ था ये बताइए, और कितने बजे का समय था, कितने लोग थे? सवा तीन चार लोग थे। पूरा खेत घिर गए थे पलंग से, पहले तो उनसे पामरा भजा गए, पहले तो पामरे से वो भजाई थे, जो लेबर आलू बीन रही थी वो भजाई थी, गाड़ी दूंगा भाजो यहाँ से, वो भजाई थी लेबर। फटा से मुझे अमृत भौरे पकड़ लिए, फिर उन पर तबाह से फायरिंग करी, उन्होंने कोई बात नहीं की, फायरिंग करिए बस जाइए। कितने राउंड फायर हुए थे? 15-16 बार फायरिंग हुई, 15-16 20 हुए, तो कोई मालूम नहीं पड़ रही है। एक ही गौरव कर रहा था और नहीं, चारों कर रही, चारों कर रही, चार लोग थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वो भाजे, उन्होंने ख़त्म करके नहीं आया। जब भाजे, जब मैं आलू पर खड़ा था वहाँ पर, मैं फ़ोन कर रहा था 112 नंबर पर, तो वहाँ फ़ोन नहीं लग रहा था, तो मुझे धमकी दी फ़ोन कहाँ कर रहा है। फिर मेरे माँ फायरिंग करिए, फायरिंग पर बोले ऊपर खोले नहीं है, मैं वहाँ जा पा रहा हूँ, तो चले गए भाजे भाई। तो हाथरस में दिन दहाड़े एक किसान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बेटी के साथ हुई छेड़खानी के मुकदमे को वापस लेने के लिए आरोपी लगातार धमकी दे रहे थे, लेकिन जब मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो आरोपियों ने परिवार की मौजूदगी में ही खेत में काम कर रहे किसान की हत्या कर दी। और इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच के लिए योगी सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए। हाथरस में दिन दहाड़े हत्या से सनसनी। परिवार के सामने खेत में किसान की हत्या। चार अज्ञात व्यक्तियों ने, एक व्यक्ति जो अपने खेत में आलू निकाल रहा था, उसके गोली मार के इन्होंने हत्या कर दी है। प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश। मेरे पापा को गोली मारी, प्लीज मुझे दहाड़े मार कर रोती, ये उस बेटी की आवाज है जिसके सामने उसके पिता की हत्या कर दी गई। ये उस बेटी की आवाज है जिसकी माँ का सिंदूर एक झटके में उजाड़ दिया गया। हाथरस से आई इस दिल दहला देने वाली वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब पीड़ित परिवार अपने खेत में मौजूद था। इसी वक्त गौरव नाम के शख्स ने अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। घायल किसान का अस्पताल में इलाज हो पाता कि उससे पहले उसकी सासों ने जवाब दे दिया। मेरे पापा को गोली मारी, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे, पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, आराम जाते थे, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। दिन दहाड़े अंजाम दी गई इस वारदात ने प्रशासन के अमले में हड़कंप मचा दिया, लिहाजा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
एक्शन में आई पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ललित शर्मा नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उस पर NSA के तहत कार्रवाई की गई है। मेरे द्वारा, हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके पर मुआयना करके परिवार के लोगों के साथ में जो है घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। पुलिस द्वारा बहुत सारी टीमें गठित की गई, 4 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में तुरंत रवाना की गई और नामजद जो 4 अभियुक्त हैं उनमें से एक अभियुक्त की रात्रि में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी शीघ्र कर ली जाएगी। दरअसल जिस हत्याकांड की वजह से हाथरस के परिवार में मातम परसा है उसकी कहानी साल 2018 से जुड़ी है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इसी साल गौरव नाम के शख्स ने मृतक की बेटी के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके FIR भी दर्ज कराई गई थी। उस दौरान आरोपी 15 दिन की जेल में भी रहा था। उसके बाद से अब तक लगातार पीड़ित परिवार पर केस को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन तमाम धमकियों के आगे न झुकने की कीमत पीड़ित किसान को अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ी। सीने में 2-3 गोली मारी और फिर देखा है, चेक किया है कि वो मरे हैं कि नहीं मरे, फिर दोबारा सर में गोली मारा है। पूरा अभी भरोसा है, जैसे पुलिस की कार्रवाई हुई है 24 घंटे में जैसे काम किया है पुलिस ने, और हमें जैसा हमारे साथ हुआ है वैसे ही उसके साथ होना चाहिए। हमें पूरा भरोसा है सरकार पूरा हमारी मदद करेगी। इस घटना में कुल 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, जिनमें से 4 नामजद आरोपी हैं जबकि 2 अज्ञात हैं। अपनी शिकायत में पीड़ित बेटी ने वारदात की आंखों देखी तस्वीरें बयां की हैं। FIR में लिखा है, गौरव ने कहा मुकदमा वापस ले लो और लड़की से फैसला करा दो। मेरे पिता कुछ कह पाते इससे पहले ही उसने अपने हाथों के लिए हथियारों से पिताजी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इतना ही नहीं, पीड़ित के मुताबिक इस घटना का मुख्य आरोपी गौरव समाजवादी पार्टी का नेता है, जो लगातार पीड़ित परिवार को छेड़छाड़ का मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहा था। वो बोल रहा था कि केस वापस ले लो वरना मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी देता था पहले। ये जो प्रोफाइल पे फेसबुक पे लगा हुआ है यही है, ये गौरव शर्मा है सर, ये आतंकवादी, एक नंबर का आतंकवादी है ये। किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा। इस वारदात में समाजवादी पार्टी का नाम सामने आने के बाद BJP मुखर हो गई। BJP ने समाजवादी पार्टी पर गुंडों को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया है, साथ ही ये दावा भी किया है कि यूपी सरकार किसी भी आरोपी को बख्शने वाली नहीं है। हाथरस में एक घटना घटी है और एक गरीब ब्राह्मण बेटी के पिताजी की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं है, समाजवादी पार्टी का नेता है, और हत्या करने का कारण सिर्फ यह है कि उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसमें 2 साल पहले मुकदमा भी लिखा गया था, इसको जेल भी भेजा गया था। लगातार उस परिवार के ऊपर दबाव बनाकर के मुकदमा वापस लो, मुकदमा वापस न लेने पर कल उस लड़की के पिता की हत्या इस समाजवादी नेता के द्वारा कर दी गई है। जिन लोगों ने राजनैतिक जमीन खो दी है उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, और जब कभी भी मौका मिलता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर तरीके की साजिश करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उत्तर प्रदेश की सफलता इनसे पच नहीं रही है। फिलहाल इस मामले में 4 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, जबकि पीड़ित परिवार को भी सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और BJP के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में चुनावी हुंकार भरी। बंगाल के मालदा में योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, जहां उनके निशाने पर राज्य की ममता सरकार रही। योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाने से रोका जाता है। ममता के गढ़ में पहुंचकर योगी ने गो हत्या, लव जिहाद, भ्रष्टाचार पर 0 tolerance और राम के जरिए ममता को घेरने की कोशिश की। योगी ने राम द्रोहियों को बंगाल से बाहर करने का ऐलान किया, साथ ही BJP की सरकार बनने पर लव जिहाद और गो हत्या पर रोक लगाने का वादा किया। अपने भाषण के अंत में योगी ने मंच से जय श्री राम के नारे भी लगवाए। बंगाल में आज
जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी, उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। जो भी राम का द्रोही है, याद रखना, मालदा की धरती से ही मैं इस बात को कह रहा हूं, होली आने वाला है अभी कुछ ही दिनों के बाद, और कभी उस कालखंड में भी कुछ लोगों ने भगवान विष्णु और राम का नाम लेने को प्रतिबंधित किया था। होली के अवसर पर हम लोग क्या कहते हैं उसको? और मित्रों, आज बंगाल के अंदर एक बार फिर से जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है, घर में कोई काम होता है तो राम नाम का जप करती है, और जब किसी प्रियजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही उस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं, और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं, ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। योगी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बंगाल में लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है और यहाँ की सरकार इसे रोक नहीं पा रही है। अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तो लव जिहाद पर रोक लगाएगी। मित्रों, बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहाँ पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहाँ की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को, जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, वह यहाँ की सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है। मालदा के मंच से योगी ने ऐलान किया कि अगर बंगाल में बीजेपी सरकार आई तो 24 घंटे में गौ हत्या पर रोक लगाई जाएगी और सारे बूचड़खाने बंद करा दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गौ हत्या नहीं कर सकता। मित्रों, कोई नहीं कर सकता। हमारी सरकार 2017 में आई थी और 2017 में आते ही उत्तर प्रदेश के अंदर गौ तस्करी और इलीगल स्लॉटर हाउसेज एक झटके में बंद हो गए, 24 घंटे के अंदर बंद हुए थे। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के तो आइए, 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद हो जाएंगे और 24 घंटे के अंदर ये तस्करी भी बंद हो जाएगी। गौ तस्करों को पता लग जाएगा कि गौ तस्करी, इलीगल स्लॉटरिंग और किसी भी प्रकार की अराजकता और अव्यवस्था का क्या दुष्परिणाम होगा। योगी आदित्यनाथ आखिर मालदा जिले से ही अपने चुनाव प्रचार का श्री गणेश क्यों करने जा रहे हैं? आपको ये भी जरा बता दें, आखिरकार मालदा क्यों अहम है? बांग्लादेश की सीमा से लगा जिला है ये और मालदा में विधानसभा की 12 सीटें, यहाँ 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। 2019 में बीजेपी ने मालदा उत्तर लोकसभा सीट जीती थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वैष्णव नगर सीट पर कब्जा किया था। 2019 उपचुनाव में बीजेपी ने हबीबपुर सीट पर जीत हासिल की थी।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की रणभेरी बच चुकी है। विधानसभा चुनाव की तारीखें सामने आने के बाद से सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर सिर्फ टव्वल जारी है। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और लेफ्ट के साथ ISF यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के बीच होने वाले गठबंधन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अब आवाजें उठने लगी हैं, जिसके बाद पार्टी का कलह बाहर आ गया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के ISF के साथ गठबंधन को लेकर पार्टी में जारी इसी अंतरकलह को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप मढ़ा। अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, बंगाल का भी चुनाव है। ठीक ऐसी ही एक गठबंधन की प्रक्रिया राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस पार्टी बंगाल में कर रही है। बंधुगण, ये जो अलायंस का खेल कांग्रेस पार्टी कर रही है, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उसको लेकर एक सुगबुगाहट है। और आज तमाम टेलीविजन चैनल अगर कुछ दिखा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में कुछ हो रहा है, तो वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही है। बंधुगण, ये जो सारे अलायंस कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये कोई अच्छे परफॉर्मेंस के लिए नहीं किया है। यह इसलिए नहीं किया है कि किस प्रकार से परफॉर्मेंस की राजनीति की जा सके, ये इसलिए नहीं किया है कि किस प्रकार से रिफॉर्म की राजनीति की जा सके, ये इसलिए नहीं किया है कि ट्रांसफॉर्म करना है देश को, ये इसलिए नहीं किया है कि गवर्नेंस किस प्रकार दिया जा सके। केवल और केवल एक ही मुद्दा है इन गठबंधनों का, किस प्रकार से ये जो गांधी परिवार है, तथा कथित गांधी परिवार है, ये अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखे। किस प्रकार राहुल, सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा ये अपनी पॉलिटिकल रेलिवेंस बनाए रखे, केवल इसी कारण से ये गठबंधन है। बंधुगण, आज से अनेकों, मैं कहूंगा महीनों पहले, 2019 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के गठबंधन के लिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था, ये दरअसल ठगबंधन है। ट्विटर युद्ध हो रहा है, टेलीविजन चैनल में एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के ही नेता बोल रहे हैं, और बिल्कुल सही बात है। ये जो सवाल उठाया गया है कि कांग्रेस अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती थी, कांग्रेस सेड दैट आवर क्रेडेंशियल्स वर बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म, देयर ओन पार्टी पीपल हैव आस्क्ड, इज दिस महात्मा गांधी सेक्युलरिज्म? दिस इज कोर हिपोक्रेसी, दिस इज अटमोस्ट हिपोक्रेसी। ये दोगलापन है, ये कांग्रेस पार्टी का डबल स्पीक है, ये कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है। जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है, वही कांग्रेस पार्टी बंगाल में ISF के साथ गठबंधन कर लेती है, वही कांग्रेस पार्टी केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लेती है, वही कांग्रेस पार्टी केरल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जमाते इस्लामी का, उसके साथ गठबंधन करती है, और पूर्व में इनका एक गठबंधन भी रहा है, और आप जानते हैं AIUDF को लेकर किस प्रकार टेरर फंडिंग से एक NGO में उनके पैसे जा रहे थे, इसको लेकर एक NIA का इन्वेस्टिगेशन भी अभी चल रहा है। जब इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हो देश विरोधी गतिविधि को लेकर किसी संगठन के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ भी गठबंधन कर लेना ताकि किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण अपनी राजनैतिक प्रासंगिकता बनाई रखे कांग्रेस पार्टी, ये आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि बंगाल चुनाव से पहले पार्टी में किस तरह का घमासान मचा हुआ है। वैसे तो सीटों के खींचतान की वजह से लेफ्ट, कांग्रेस और ISF यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के बीच गठबंधन में पेच फंसता दिख रहा है। हालांकि ISF गठबंधन को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। ISF से गठबंधन के मुद्दे पर कांग्रेस साफ तौर पर दो खेमों में बटी नजर आ रही है, एक ओर सोनिया गांधी के करीबी और बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं, तो गठबंधन के समर्थक हैं। वहीं दूसरे खेमे में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का गुट है। इस गुट में शामिल आनंद शर्मा ने ट्वीट कर बंगाल में ISF से गठबंधन पर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए, जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि आनंद शर्मा किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि आनंद शर्मा कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं,
और बीजेपी की मदद कर रहे हैं। हमारे साथ लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। अधीर जी, फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी के साथ जो बातचीत चल रही है वो तो चली रही, लेकिन अपनी पार्टी के लोग, आपके लोग, आनंद शर्मा जो उपनेता हैं राज्यसभा में, वो कह रहे हैं कि शर्मनाक है अधीर रंजन चौधरी का उस मंच पे रहना। कैसे बताओ, ये बचपना क्यों कर रहे हैं पता नहीं, और हो सकता है किसी के इशारे पर और किसी को खुश करने के लिए भी इस तरीके की बेबुनियाद जबान कहे जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं, और ये बात ये है कि तो हमारे सहयोगी है, पार्टी के उपनेता भी है राज्यसभा के, और हमारे साथ अच्छा संपर्क भी है, रिश्ता बड़ा गहरा रिश्ता, इसलिए कि वो हमारे पार्टी के हैं, हमारे नेता भी हैं। अगर उनसे कुछ चीज बुरा लगे, उनसे अगर कुछ सवाल थे, तो एक टू फोन करके अगर मुझसे ये पूछा जाता कि भाई ये क्या कर रहे हो, अब क्यों कर रहे हो, बजाय क्या है, तो आसानी से उनको मैं समझाने में सफल रहते। वहीं बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो एक नई दुनिया बना दें, ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 6 मार्च को शाम के 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 10 साल का बाल गोपाल, बांसुरी वादक अनिर्बान रॉय, वो बालक जिसने पहली बार 4.5 साल की उम्र में बांसुरी थामी थी जब उसके गुरु और पिता ने उसे पहली धुन सिखाई। अब उसके पास 100 से ज्यादा बांसुरियां हैं जिन्हें बजाने में वो पारंगत है। अनिर्बान संगीत में प्रतिष्ठित डॉक्टर MS सुब्रलक्ष्मी फेलोशिप पाने वाले सबसे कम उम्र के बच्चों में एक है। उसे सुरेश वाडकर म्यूजिक एकेडमी की तरफ से मास्टर मदन अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा इस नन्हे बांसुरी वादक को नाद ब्रह्म अवार्ड भी मिला, और वो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, नीलाद्री कुमार और कौशिकी चक्रवर्ती जैसे बड़े संगीतकारों के साथ भी परफॉर्म कर चुका है। 6 मार्च को शाम के 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए इस विलक्षण बांसुरी वादक से, जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस। जो रामद्रोही है उनके अभी भारत में कोई